नमस्कार, मैं सिबिसे गुरु स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। तो चलिए, आज मेरा जो टॉपिक है एक्सट्रॉर्डिनरी वेरिफिकेशन का ही एक्सपेंशन है। अगर ये मेरा लेक्चर, अगर मेरा जो पिछला लेक्चर है एक्सट्रॉर्डिनरी वेरिफिकेशन के बारे में जो भी मैंने बताया है, अगर वो किसी ने नहीं देखा है, वह जाके मेरे YouTube चैनल पे देख सकता है, वो मेरे YouTube वीडियोस देख सकता है। ऊपर देखिए आई बटन पे मैंने अपने YouTube वीडियोस डाल दिए हैं, आप वहाँ पे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि आगे की चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं। अगर आपको पिछला लेक्चर के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप ये नहीं समझ पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पिछला लेक्चर भी देखोगे और ये भी लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए, आज का टॉपिक क्या है, आज के टॉपिक से हम शुरू करते हैं। चलिए, अब जो आज का टॉपिक है वह है कि हाइड्रोजन एटम एंड एक्सट्रॉर्डिनरी वेरिफिकेशन। ठीक है, चलिए उस पर देखते हैं। ये जैसे कि मैंने एक्सट्रॉर्डिनरी वेरिफिकेशन बताया था अपने पिछले लेक्चर में, डेल टू साई बाय डेल एक्स टू, डेल टू साई बाय डेल वाई टू, डेल टू साई बाय डेल जेड टू प्लस एट पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर एन ई माइनस वी साई इक्वल टू जीरो। यही एक्सट्रॉर्डिनरी वेरिफिकेशन है, जहाँ पे हमें जो सॉल्यूशन है ई और साई के बीच में मिलता है। ई क्या है, क्वांटाइज एनर्जी, एनर्जी ऑफ द मेरा हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के लिए निकाले थे, मतलब ये जो जनरल है ये आपका जनरल है। ई क्या है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और क्वांटाइज एनर्जी, और ये साई क्या है, आपका वेव फंक्शन है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं इस पर। इस लेक्चर में थोड़ा स्टेटमेंट ज़्यादा रहेगा, आई थिंक स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट रहेगा, क्योंकि इस समय मैं समझाऊंगा स्टेटमेंट के थ्रू ही समझाऊंगा, लिख के समझाऊंगा, तो आपको बेस्ट समझ में आएगा। कि इसमें अगर मैं मेरे से कुछ भी छूट गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आई थिंक कि स्टेटमेंट लिख के समझाऊंगा तो आपको बेस्ट लगेगा। व्हेन, अब चलिए शुरू करते हैं। व्हेन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज सॉल्व फॉर ए हाइड्रोजन एटम, जब स्क्रोडिंगर इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया गया, इसका यह मतलब है कि एटॉमिक नंबर वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन, ठीक है, जिस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो, वन एटॉमिक नंबर हो जिसका हाइड्रोजन एटम के लिए, उसके लिए क्या किया गया, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया, तो सॉल्यूशन क्या मिला, द सॉल्यूशन गिव्स द पॉसिबल एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिले जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई एंड कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल, द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या दिया हमको, पॉसिबल एनर्जी लेवल्स द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आ सकता है, वहाँ पे रह सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, और उस वेव फंक्शन के भी बारे में मालूम चला इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का जो कि एनर्जी लेवल, हर एनर्जी लेवल से एसोसिएटेड है, मतलब क्या क्या मालूम चला हमें, उसके ऑक्यूपेंसी के मालूम चला कि वह कहाँ कहाँ पे हो सकता है, और उसके वेव फंक्शन के बारे में मालूम चला जो कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस किस एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला दे दिया बोर की तरह ए नॉट एन स्क्वायर यही आपका रेडियस है इसी में घूमेगा आपका, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया गया, जब वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए सॉल्व किया गया, तब मेरे को मालूम चला ऑक्यूपेंसी कैसी है, किधर है, और वेव फंक्शन से उसकी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बारे में मालूम चला। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा टॉपिक क्या कहता है, दिस क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स, जो क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट है जो कि ई के फॉर्म में आया है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है, विच आर कैरेक्टराइज बाई ए सेट ऑफ थ्री क्वांटम नंबर्स, जो कि तीन क्वांटम नंबर से करेक्टराइज है। पहला क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको एल से डिनोट किया जाता है, दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको एल से डिनोट किया जाता है, और तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको एम से डिनोट किया जाता है। ये सारे क्वांटम नंबर है, और ये सारे जैसे के एल एम एन ओ भी आप समझे होंगे, सुने होंगे। ठीक है, तो इस तरह के का जो क्वांटम नंबर है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, बस ये जान लीजिए कि इस इक्वेशन को अगर हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया गया तो क्या क्या मेरे पास आया। ये जो क्वांटाइज एनर्जी स्टेट है और कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है, जो कि तीन आपका क्वांटम नंबर से करेक्टराइज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अराइज एज ए नेचुरल कंसिक्वेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ द स्क्रोडिंगर इक्वेशन, स्क्रोडिंगर इक्वेशन पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इस सॉल्यूशन में आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं, क्या इसमें है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन एन एनर्जी स्टेट, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी स्टेट में, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट एनर्जी स्टेट है, ये सेकंड एनर्जी स्टेट है, थर्ड एनर्जी स्टेट है, अगर इलेक्ट्रॉन इन तीनों में से किसी भी एनर्जी स्टेट पे हो, या उसके अलावा किसी भी एनर्जी स्टेट पे हो, डिफरेंट ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी स्टेट रिप्रेजेंट करता है, अभी हम पहले देख चुके, द वेव फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी स्टेट, हर एनर्जी स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन,
कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन. हर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी स्टेट में हो तो हर एनर्जी स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेव फंक्शन होता है, और हर वेव फंक्शन जो है जो पार्टिकुलर एनर्जी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखता है. ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेन्स बाय द कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन इन द रेस्पेक्टिव एनर्जी स्टेट्स. ये इसका मतलब कि थोड़ा कहने का मतलब है कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट्स के रेस्पेक्ट में मेरा सारे इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में रखा जाता है. द वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन. जो वेव फंक्शन है साइन, ये क्या है? मैथमेटिकल फंक्शन है, जो मैंने पहले बताया था कि ये वेव फंक्शन है जो कि मैथमेटिकल फंक्शन है और जो कि एक सॉल्यूशन के रूप में सामने आया है. Whose values depends upon, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम. कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स वाई जेड, जो मैंने कोऑर्डिनेट वेव फंक्शन में बताया था, डेल टू साई बाई डेल एक्स टू, डेल टू साई बाई डेल वाई टू, डेल टू साई बाई डेल जेड टू. यहाँ से एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स, मेरी तीन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आने वाली है. तो इसमें क्या बोला है कि वेव फंक्शन एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स के कोऑर्डिनेट पे, जिस भी एनर्जी लेवल पे हो उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, इन तीनों कोऑर्डिनेट पूर्ण रूप से बेस्ड है. ठीक है, तो ये कह सकते हैं जो वेव फंक्शन है मैथमेटिकल फंक्शन है और उसकी वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन्स के कोऑर्डिनेट जो डिफरेंट एनर्जी लेवल है उस पर डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम. ठीक है, अब आगे सच वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है. ठीक है, अभी हम हाइड्रोजन को कंसिडर किए हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स जिसके एटॉमिक नंबर वन हो. ठीक है, जिसमें वन इलेक्ट्रॉन सिर्फ हो, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सच वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, जैसा मैंने बताया था हीलियम प्लस, लिथियम टू प्लस, बेरिलियम थ्री प्लस, इस तरह वह स्पीसीज जिनमें पॉजिटिव हो कि भी मेरा इलेक्ट्रॉन्स जो है वन ही है, सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, विद वन इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है, उनको हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं. तो इसमें क्या कहा है, सच वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ वन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, उनको एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलता है. आप कहेंगे कि सर एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो और भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एटम जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दो हो, तीन हो, वो भी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं. बिल्कुल ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिक हाइड्रोजन एटम्स को लेके बताया गया है. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हाइड्रोजन एटम को लेके सबसे पहले जो भी ऑब्जर्वेशन आई होगी उसको बताया कि सच वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विद वन इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है, अब आगे सच वेव फंक्शन पर्टेनिंग टू वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर कॉल्ड वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. उस तरह के वेव फंक्शन जो कि वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे हैं, और सच वेव फंक्शन पर्टेनिंग टू वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, एक इलेक्ट्रॉन जैसे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, उसमें आप इस तरीके का इलेक्ट्रॉन्स को निकालिए कि वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उस पार्टिकुलर स्पीसीज में बचा हो. तो सच वेव फंक्शन पर्टेनिंग टू वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर कॉल्ड वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. मैं इसलिए इन्फेसिस कर रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं चाहता तो बिना स्टेटमेंट दिए ही मैं आपको बता सकता था अच्छे से, लेकिन कोई भी एक वर्ड छूट जाए तो बहुत दिक्कत होगी. ठीक है, तो एक एक चीज मैं बता रहा हूँ. ठीक है, एक एक चीज बताना जरूरी भी है. अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एट एनी एनर्जी लेवल, एट एनी मतलब ऑर्बिटल्स कह सकते हैं, एट ए पॉइंट विद इन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द साइज स्क्वायर. ये क्या है मेरा वेव फंक्शन. और उसका स्क्वायर ले लिया टू डेट पॉइंट. मान लीजिए जिस भी पॉइंट पे हमें मालूम करना है, मान लीजिए एटम है, ठीक है, न्यूक्लियस है, और कोई भी ऑर्बिटल है, मालूम करना है भाई ये थर्ड ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वहां पे उसके एग्जिस्ट करने की. ठीक है, तो उसके एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी, साइज का स्क्वायर. ठीक है, ये मॉड है, मॉडुलस से पॉजिटिव वैल्यू ही रहती है. तो यहाँ से तो ये क्लियर हो गया भाई कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एटम इज प्रोपोर्शनल टू साइज स्क्वायर एट दैट पॉइंट. तो इन सारी चीज़ों से ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन हम पता कर सकते हैं, वेव जो वन एनर्जी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में या टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम में मालूम कर सकते हैं. ठीक है, जो वेव फंक्शन है मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है, इस तरह के वेव फंक्शन जो कि मेरे डिफरेंट हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम को डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देते हैं, जिसको एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होती है, और जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई का स्क्वायर है. ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए इसको रफ करके आगे की बात करते हैं. सो स्टूडेंट्स,
हमने अभी तक जो भी पढ़ा वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पढ़ा। जहां पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यानी हाइड्रोजन के अलावा हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, इस तरह के एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन के जैसे दिखते हैं, मतलब कि हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसलिए जितना भी श्रोडिंगर वेरिफिकेशन भी अभी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए सॉल्व किया गया, ये तो आसान था। लेकिन अब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात हुई, इलेक्ट्रॉन सिस्टम मींस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन और इक्वल टू 2, दो या उससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाए, तब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये जानिए कि फॉर मोर इलेक्ट्रॉन मोर और मोर देन इक्वल टू 2 के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज वेरी टफ टू सॉल्व। हाइड्रोजन एटम के लिए तो सॉल्व कर लिया गया, लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सॉल्व करने की बारी आई तो फिर सॉल्व करना बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि ये ऐसा टफ इक्वेशन है जिसको 100% अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है, ठीक है। इसको जिस आप कहेंगे फिर सॉल्यूशन कैसे मालूम चला, सॉल्यूशन जो है इसका हमने अप्रोक्सीमेशन मेथड का इस्तेमाल करके इसके डिफरेंट सॉल्यूशन हमने एज्यूम किए हैं। हम क्योंकि हाइड्रोजन और या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का तो हमको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मालूम है, तो हमने कहा अप्रोक्स किया कि और ये अप्रोक्सीमेशन आया कैसे। ये सारी चीज़ों को जो भी वेव इक्वेशन है हमने सुपर कंप्यूटर में डाला। हमारे पास क्या है, सुपर कंप्यूटर जो कि टफेस्ट से टफेस्ट इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। इसको हमने कहाँ डाला, अपने सुपर कंप्यूटर पे, ठीक है। सुपर कंप्यूटर पे टू रिजल्ट, एक्चुअली सॉल्यूशन तो नहीं दिखाता है वो, सीधे रिजल्ट दिखाता है। रिजल्ट हमको दिखाया अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, डिफरेंट रिजल्ट आए, तो हमने ये रिजल्ट देखा कि ये जो भी रिजल्ट आए हैं इट इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम द रिजल्ट दैट हैज कम इन द हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज केस। चलिए इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं, रिजल्ट वी गेट फ्रॉम सुपर कंप्यूटर इज नॉट मच डिफरेंट एज वी गेट इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, नॉट मच डिफरेंस। तो ये हम कहा, हमने कहा कि तो हम इस तरीके से मान सकते हैं, अप्रोक्स कर सकते हैं कि जो भी आने वाले आगे ऑर्बिटल्स होंगे, जितने भी आने वाले आगे जो भी रिजल्ट्स होंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन्स का फॉर मोर देन और इक्वल टू 2, उसके लिए हम हाइड्रोजन एटम्स के रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। उस पर जो जो रिजल्ट आए थे, जिस तरह से अरेंजमेंट आई थी, वो सारी अरेंजमेंट हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये हुआ। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सिर्फ और सिर्फ सुपर कंप्यूटर की मदद से हम आगे की ओर चल सके। तो आगे की जो बातें होंगी अब इसी से रिलेटेड होंगी कि आखिर रिजल्ट्स आया क्या, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये था मेरा आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हाइड्रोजन स्पीसीज के लिए किस तरीके से हमने निकाला और किस तरीके से हमने अप्रोक्सीमेशन मेथड से उसके बारे में मालूम किया कि भाई अप्रोक्सीमेशन मेथड से सुपर कंप्यूटर में लग के जो रिजल्ट्स हमने देखे तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं था हाइड्रोजन लाइक एटम्स के केस में जो भी रिजल्ट हमको मिल रहे थे, और जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की जो भी हमें रिजल्ट्स मिले हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं उनकी जो रिजल्ट्स हैं उनको ही हम आगे कैरी ऑन करते हैं विद सर्टेन मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे जो है क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, एसपीडीएफ एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, केएलएमएनओपी के बारे में पढ़ेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में आपका ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही हमें आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज
का ही मतलब कि आपका ये कुछ संशोधित या आप कह सकते हैं कुछ हम उसमें चेंजेस करते हैं, उसके बाद हम उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उस आगे हम जब जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ आप पढ़ने वाले हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हमें मालूम चलने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियोस को जितना आप शेयर कर सके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, जिससे आप और लोगों को मालूम चल सके कि मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाता हूँ और आपको पूरा समझ में आता है, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता ही हूँ कि आपको कोई डाउट ही नहीं रहने देता हूँ। अगर कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा कमेंट कर सकते हैं और मेरे फर्दर लेक्चर्स देखने के लिए आप ऊपर जो आई बटन बना है वहाँ पे आप जाके लेक्चर्स देख ले सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है सीबीएसई गुरु, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ये लोगो भी है मेरा, ठीक है, पॉपुलर लोगो है ना। तो ये सीबीएसई गुरु पे आप जाइए और यहाँ पे आप मेरा व्यू कीजिए, चैनल सर्च कीजिए, वीडियो सर्च कीजिए और जितना देख सके उतना बेहतर है, क्योंकि आप जितना देखेंगे उतना आपको नई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, आप अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, यही टॉपिक में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।